हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू मी एंड के ड्रामा में। तो वेल इंटेंट लव का नेक्स्ट एपिसोड यहां से स्टार्ट होता है कि लिंक का ऑपरेशन चल रहा होता है और वहां पर सारे लोग मौजूद होते हैं। उसकी मॉम भी वहां पर होती है। जब ग्रैंड माँ आती है तो उसकी मॉम को देखकर पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वेनली को पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि नैन की कार सी में गिर गई है, लेकिन अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन लिंक कोमा में चले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि लिंक को मिरेकल ही वापस होश में ला सकता है, या कुछ इमोशनल ट्रिगर होने से शायद वो लौट आए। फिर बताते हैं कि ज़ाइलिन सोनोग्राफी रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाती है। उसका हाथ लेकर अपने स्टमक पर रखती है। ग्रैंडमा और ज़ाइलिन दोनों मिलकर एक डॉल को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो उनका रियल बच्चा है। उसे सुलाने की कोशिश करती है, उससे बातें करती है, जिससे लिंक को एहसास हो। ज़ाइलिन लिंक के हाथों में अपनी वेडिंग रिंग डालती है, उससे बातें करने लगती है, उसे कहती है कि वो उसे कितना मिस कर रही है। फिर बताते हैं कि चुयान के डैड लिंक की हेल्थ का पूछते हैं, तो चुयान कहता है कि लिंक अब भी कोमा में है और वेनली सारा चीज़ मैनेज कर रहा है। तभी चुयान कहता है कि कोई ट्रिक तो नहीं खेलोगे मेरे भाई पे, मैं ऐसे होने भी नहीं दूंगा। तो उसके डैड कहते हैं, मैं तो नहीं, लेकिन बहुत सारे शेयर होल्डर्स बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं। लिंक को सीईओ की पोस्ट से रिमूव करना चाहते हैं। बहुत से शेयर होल्डर्स कंपनी को टेक ओवर भी करना चाहते हैं। ये सुनते ही चुयान वेनली के पास निकल पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में बताते हैं कि वेनली ज़ाइलिन से कहता है कि बॉडी मिल गई है, लेकिन डीएनए के बाद पता चलेगा कि वो नैन की है या नहीं। और टोंग ने स्टेटमेंट दे दिया है और ये भी बताता है कि चुयान ने कहा है कि शेयर होल्डर्स लिंक को सीईओ की पोस्ट से निकालना चाहते हैं और बहुत से शेयर होल्डर कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, लिंक की मॉम को बताते हैं, वो घर आती है ज़ाइलिन से मिलने। तब ज़ाइलिन उन्हें देखकर कहती है कि वो काफ़ी दिनों से लिंक को मिलने नहीं आई। तो वो कहती है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग रखने वाले हैं लिंक को सीईओ की पोस्ट से निकालने के लिए, लेकिन मैं उसकी मेहनत वेस्ट होने नहीं दूंगी। अगर मुझे शेयर होल्डर की लिस्ट मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो ज़ाइलिन वो लिस्ट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। तो मॉम कहती है, सेफ में ढूंढो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। तो ज़ाइलिन वो लिस्ट ढूंढने चले जाती है और मॉम स्टडी में रॉबर्ट टॉय देखने लगती है। जब ज़ाइलिन लौटती है और कहती है कि उसे नहीं मिली, वो वेनली से पूछ ले, तब मॉम कहती है कि ये रॉबर्ट टॉय यहाँ क्या कर रहा है। तो ज़ाइलिन कहती है कि मैंने लिंक को ये गिफ्ट किया था, आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा। तो मॉम कहती है कि मैं टॉयज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। तो उसे लिंक की बात याद आती है कि लास्ट बर्थडे गिफ्ट उसे रॉबर्ट टॉय दिया था मॉम ने। और फिर वेनली की बात याद आती है कि जो कंपनी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है वो लिंक की मॉम है, जिनके शेयर्स 15% है। बोर्ड मीटिंग का भी दिन आ जाता है और मॉम ज़ाइलिन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें लिंक की केयर करनी चाहिए। तो ज़ाइलिन कहती है, मैं लिंक की प्रॉक्सी हूँ। और उसके अंदर जाते ही मॉम कहती है कि अभी बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि मॉम बहुत सारे शेयर होल्डर से मिलकर उन्हें कन्वेंस करती है लिंक को सीईओ की पोस्ट से हटाने के लिए, जिससे उन्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे वेनली और ज़ाइलिन भी बहुत सारे शेयर होल्डर से मिलकर उन्हें कन्वेंस किया था लिंक के फेवर में। चुयान अपने फादर के प्रॉक्सी बनकर आता है और वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब रिजल्ट आता है लिंक के फेवर में होता है, तब ज़ाइलिन मॉम से पूछती है कि लिंक के अपोज में क्यों थी। तो मॉम कहती है, नैन के डैड से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके 15% शेयर्स है, बिजनेस और वॉर में सब कुछ चलता है। तब ज़ाइलिन कहती है, आपने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन वो टॉय के वजह से पकड़े गई, क्योंकि आपका लास्ट गिफ्ट लिंक के लिए रॉबर्ट टॉय ही था। नैन सोचता रहा कि अगर वो लिंक को हर्ट करेगा तो आपको हर्ट होगा। वो कितना बेवकूफ़ था, क्योंकि आप एक सेल्फिश औरत हो, माँ कहने के लायक नहीं हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, ज़ाइलिन लिंक से कहती है कि हम जीत गए, अब तो उठ जाओ, वरना मैं किस सीन करूँगी, ब्लाइंड डेट पे जाऊँगी और हमारा बेबी किसी और को डैड कहेगा। तभी लिंक कहता है कि ऐसे सोचने की हिम्मत भी ना करना। उसे होश में देखकर ज़ाइलिन खुश हो जाती है, रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को मिस यू कहते हैं। वो अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट उसे दिखाकर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहती है और लिंक उसके माथे पे किस करता है। तभी चुयान एंट्री करता है
उन दोनों को ऐसे देखकर वो चुपचाप रूम से निकल जाता है। तभी उसे वही लड़की मिलती है जिसने उसे बचाया था। वो लड़की चुयान से कहती है कि जो पैसे तुम्हें बचाने के लिए मैंने लिए थे, उस पैसे से मेरे मॉम को इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। मेरे मॉम को कैंसर है। वो अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे डैड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर सिटी आ गए और एक रिच वूमेन के साथ शादी कर ली। अब उन्हें वो बच्चा वापस चाहिए जो कि मैं हूँ। तभी ज़ाइलिन वहाँ पर आती है, दोनों को बातें करते देखकर एक नॉटी सी स्माइल देती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना जो कि लास्ट एपिसोड होगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय। चीज़।